राजा का अपने पुत्र को राज्य सौंपकर नीति का उपदेश देना और धर्मांधक के राज सुराज्य की स्थिति। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन अपनी पत्नियों के इस प्रकार अनुमति देने पर महाराज रुक्मांधक ने हर्ष की सीमा न रही। वे अपने पुत्र धर्मांधक से इस प्रकार बोले, बेटा इस 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का पालन करो, सदा उद्यमशील और सावधान रहना। किसी अवसर पर क्या करना उचित है इसका सदा ध्यान रखना। सदाचार का पालन हो रहा है या नहीं इसकी ओर दृष्टि रखना। सदा सचेत रहना और वाणिज्य व्यवसाय को सदा प्रिय कार्य समझकर उसे बढ़ाना। राज्य में सदा भ्रमण करते रहना। निरंतर दान में अनुरक्त रहना। कुटिलता से सदा दूर ही रहना और नित्य निरंतर सदाचार के पालन में संलग्न रहना। बेटा, राजाओं के लिए सर्वत्र अविश्वास रखना ही उत्तम बताया जाता है। खजाने की जानकारी रखाना आवश्यक है। पिता की ये बात सुनकर उत्तम बुद्धि वाले धर्मांधक ने भक्ति भाव से माता सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर उस राजकुमार ने उस नृपश्रेष्ठ धर्म रुक्मांधक को असंख्य धन दिया। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत से सेवकों और कंठ में सुवर्ण का हार धारण करने वाली बहुत सी दासियों की नियुक्त किया। इस प्रकार पिता को सुख पहुँचाने के लिए पुत्र ने सारी व्यवस्था की। फिर उसने पृथ्वी की रक्षा का कार्य संभाला। तदनंतर अनेक राजाओं से घेरे हुए राजा धर्मांधक 7 द्वीपों के युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उनके भ्रमण करने से परिणाम ये होता था कि जनता के मन में पाप बुद्धि नहीं आती थी। उसके राज्य में कोई भी वृक्ष फल और फूल से हीन नहीं था। कोई भी खेत ऐसा नहीं था जिसमें जौ या धान आदि की खेती लहलाती न हो। उस राज्य की सभी गौएं घड़ा भर दूध देती थी। उस दूध में घी का अंश अधिक होता था और उसमें शक्कर के समान मिठास रहती थी। वह दूध उत्तम पेय सब रोगों का नाशक पाप निवारण तथा पुष्टि वर्धक होता था। कोई भी मनुष्य अपने धन को छिपा कर नहीं रखता था। पत्नी अपने पति से कटुवचन नहीं बोलती थी। पुत्र विनयशील तथा पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर होता था। पुत्र वधू सास के हाथ में रहती थी। साधारण लोग ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार चलते थे। श्रेष्ठ द्विज वेदोक्त धर्मों का पालन करते थे। मनुष्य एकादशी के दिन भोजन नहीं करते थे। पृथ्वी पर नदियां सभी सुखती नहीं थी। धर्मांधक के राज्य पालन में प्रवृत्त होने पर संपूर्ण जगत पुण्यात्मा हो गया था। भगवान के दिन एकादशी व्रत का सेवन करने से सब लोग इस जगत में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाते थे। भूपाल चोर और लुटारों का भय नहीं था। अतः अंधेरी रात में भी कोई अपने घर के दरवाजे नहीं बंद करते थे। इच्छानुसार विचरने वाले अतिथि घर पर आकर ठहरते थे। किसी के लिए कहीं रोक टोक नहीं थी। हल चलाए बिना ही सब और अन्न की अच्छी उपज होती थी। केवल माता के दूध से बच्चे खूब हृष्ट पुष्ट रहते थे और पति के संयोग से युवतियाँ भी पुष्ट और संतुष्ट रहती थी। राजाओं से सुरक्षित होकर समस्त जनता हृष्ट पुष्ट रहती थी तथा शक्ति सहित धर्म का भी भलीभांति पोषण होता था। इस प्रकार सब लोगों में धर्म प्रेम की प्रधानता थी। सभी भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। राजकुमार धर्मांधक के द्वारा सारी जनता सुरक्षित थी और सबका समय बड़े सुख से बीत रहा था। उधर राजा रुक्मांधक निरोग रहकर सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो प्रचुर दान की वर्षा करते और वो उत्सव मनाते थे। वे मोहिनी की चेष्टाओं के सुख से अत्यंत मुग्ध थे।